का चला रिवान, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कैसे हैं आप लोग? घर में ही है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी घर पे हूँ। सो एक और लेसन आ चुका है। बिल्कुल, आप देखो ये जो बीट जो मैंने आपको भी इंट्रो में जो बजाई थी, ऐसे बजा रहा था, लेकिन चलो ये अगर सिग्नेचर तो भी सीख सकते हो। तो इस पे मैंने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया इसमें, इस बीट की जो काउंट है वो बीट की काउंट ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 के बाद में एक N है, तो मैंने वो भी जोड़ा है स्नेयर पे। तो अब ये बोल सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बोलना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप ढंग से प्रोनाउंस नहीं करोगे आप बजा नहीं पाओगे, ये फैक्ट है, ये होता है। तो अगर आपके दिमाग में ही अगर आपकी काउंट ढंग से नहीं बैठेगी तो बजा नहीं पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जो बोल रहे हो वो बजना चाहिए। तो काउंट ध्यान रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ठीक है। ये जो काउंट आ गया ना यहाँ पे, बस यही काउंट है, इसी को बजाना है। तो कैसे बजाएंगे? हाइट पूरे टाइम रेगुलर रहेगा, हाइट में कोई चेंजेस नहीं है। फिर से समझा रहा हूं मैं, हाइट सेम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब इसके अंदर सारी चीजें ऐड ऑन हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सुन में आया? देखो 1, तो 1 पे बेस भी है, मतलब वो सब काउंट है जो लिखा वैसे ही है, सब 1 पे बेस लिखा है 1, ठीक है 2, तो कैसा आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कैसा आएगा, थोड़ा सा अगर आप फास्ट बजाएंगे तो कैसा आएगा, और वन पे हमेशा एंड होता है, आपको मैंने बताया था। तो अब एक चीज में बीट में एक चीज ये और है, राइट भी आप प्ले कर सकते हो। तो आपको यहां भी प्ले करना है और आपको यहां भी प्ले करना है, तो दो दो बार आप यहां पे अगर आप बजाओगे तो आपको पोजीशन भी आ जाएगी कि राइट में कैसे प्ले कर सकता हूं, हाइट पे कैसे प्ले कर सकता हूं। तो पहले आप हाइट पे बजाओ, तो दो दो सेक्शन आप बजाना, ठीक है। तो आपको राइट पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको लग सकता है राइट के लिए प्ले करने की कोई जरूरत नहीं कि हम यहां पे सेपरेट बीट बजा रहे हैं, नहीं, आप सेम बीट आप राइट पे बजा सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, ये है। तो ये भी कुछ, ये एक बीट पैटर्न है जो आप प्रैक्टिस करो घर में बैठ के, ठीक है। मैं एक और लेसन और बना दूंगा जल्दी से कि आप और प्रैक्टिस कर सको। राइट में मैंने क्यों सिखाया वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग बजाते हैं वैसे बजाएंगे, तो होता क्या है कि आप अगर आप यहां पे प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहां भी आपको प्ले करना चाहिए क्योंकि लोग राइट पे बजाते हैं। अब राइट पे क्यों बजाते हैं, अगर हमको किसी और को अगर हमें हाईलाइट करना है बीट बजाते हुए भी, कि अगर कोई गिटारिस्ट से जब गिटार का लीड का पार्ट आएगा, अगर हम कोई गाना उठा रहे हैं, ठीक है, बिल्ड कर रहे हैं, तो हम राइट पे प्ले करते हैं। सामने वाले को हाईलाइट करने के लिए हमको राइट पे प्ले करना पड़ता है, और गाने के सेक्शंस भी ऐसे से आते हैं जिसमें हमको राइट पे प्ले करना पड़ता है। ज्यादातर हम जब लीड का पार्ट आता है गिटार्स का, वहां पे हम प्ले करते हैं, और भी बहुत जगह करते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक गिटार का पार्ट प्ले करते हैं, और भी जगह करते हैं, लेकिन अभी के लिए वो सारी बातें मैं बाद में करूंगा, अभी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये पूरी बीट कैसे आएगी, 1, 2, 3, 4 तो ये कुछ बीट्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस करो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड और बी सेफ। बाय।